कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामांकित किया है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूरे इंडिया अलायंस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी ने लगातार चुनौतियों का सामना किया है और जनता की आवाज बने हैं, संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह है। पायलट ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से विपक्ष की उम्मीदें बढ़ी हैं। लाखों लोग जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए इंडिया अलायंस को वोट दिया था, अब उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे न केवल कांग्रेस को बल्कि उन सभी विचारों को भी ताकत मिलेगी जो देश में अमन, चैन और भाईचारा की बात करते हैं। सचिन पायलट ने इस मौके पर सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार स्पीकर बनता है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस परंपरा का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के सांसदों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी है, जो कि जनता द्वारा कांग्रेस के विचारों की स्वीकृति का प्रमाण है। सचिन पायलट ने ओम बिरला के दोबारा स्पीकर बनने पर निष्पक्षता की उम्मीद जताई और कहा कि प्रत्येक दल और सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार 147 सांसदों का निलंबन इतिहास के लिए एक काला दिवस था और इस कार्यकाल में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पायलट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट की कार्रवाई को भी संदर्भित किया और कहा कि पिछली सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, जिसका जनता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए। देश के सबसे बड़े मुद्दे नीट परीक्षा पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि विवादित परीक्षाओं ने लाखों युवाओं को सदमे में डाल दिया है और उनका भविष्य की उम्मीदों पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपनी गलती स्वीकार करने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। पायलट ने कहा, वर्तमान सरकार ने युवाओं के नाम पर वोट लिया, लेकिन अब उनके विश्वास को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है और आने वाले चुनावों में उनकी जीत निश्चित है। राजस्थान में बिजली और पानी की समस्याओं पर पायलट ने कहा कि राज्य सरकार इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कोटा में विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं पर की गई कार्रवाई गलत है और सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था वर्किंग कमेटी ने, उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपरेशन बनने से ना सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनके, मैं समझता हूँ जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नज़र बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से ना सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती हैं कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था।
मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही हैं, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज़ को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे। और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा, जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो नीट की परीक्षा का मामला है, और आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा के विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों लोगों को, खासकर नौजवानों को, बहुत बड़ा सदमा लगा है। और नौजवानों के अंदर जो विश्वास है प्रक्रिया पर, परीक्षा की प्रणाली पर, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह शुरू में एक अड़ियल रवैया अपनाया था और बात को मानने से इनकार किया था, अंत में उनको गलती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक इस पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इस तरह का विश्वासघात, इस तरह का लीपापोती कर बचाव करना, ये मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। और नीट वाला इशू है, बाकी जो परीक्षा कैंसिल करी गई हैं, लगातार लोगों में भ्रम फैल रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और इस देश में आज रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर आज कहीं बेरोज़गारी है, शिक्षित बेरोज़गारी है, तो आज के समय पर है। उसका समाधान ढूंढने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था। ये वो सरकार है चुनाव लड़ने से पहले अपने 100 दिन की योजना बना रही थी, और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज का हिस्सा है, नौजवान वर्ग है, उनके साथ उन्होंने एक तरह से विश्वासघात किया है। तो इस पर उन्हें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए, कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, लेकिन इसकी तह तक पहुँच कर जो लोग इसलिए ज़िम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। अलग अलग समय पर राज्य में, राष्ट्र लेवल पर बदलाव होते रहते हैं, जहाँ जहाँ डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट होती है, और किस व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी से उसका रोल निभाना है ये आलाकमान तय करता है। हम में से किसी को जो भी पद दिया जा रहा है उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों के अंदर एक अलग जगाई है इस यात्रा के माध्यम से, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो मैं समझता हूँ एक इतिहास में किसी और नेता ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली थी, उस यात्रा से एक संदेश गया था कि देश में जो माहौल है उसको बेहतर करने के लिए, जो टकराव पैदा किया गया, जो आपस में बंटवारा किया गया, जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी, उसको लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में जो यात्रा निकली थी उसका बहुत सकारात्मक संकेत गया है। और दोनों यात्राओं में मैं समझता हूँ लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकली है, उस यात्रा ने लोगों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, और कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी यात्रा का फायदा मिला है। लेकिन हमारा परिणाम इतना अच्छा नहीं आ सका, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन राज्यों में हम लोगों की संख्या बल कम है वहाँ पर लगातार हम सक्रिय हैं, चाहे वो तेलंगाना है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, उड़ीसा है, उन सभी स्टेट्स पर हम लोग रिपोर्ट लेकर तुरंत प्रभाव से वहाँ पर चेंजेस भी लेकर आएंगे जो हमें लगता है कि अनिवार्य हैं, और लोगों को और आगे बढ़ने का मौका।